हाय स्टूडेंट, जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास में जानेंगे एक्सेल में पेस्ट स्पेशल के बारे में। यदि हम लोग एक्सेल में काम कर रहे हों और पेस्ट स्पेशल का इस्तेमाल करना, तो हम लोग कैसे पेस्ट स्पेशल का इस्तेमाल करते हैं, आ समझे ना। देखिए, सबसे पहले पेस्ट स्पेशल ऑप्शन हाईलाइट कब होता है कि जब हम क्या करते हैं, किसी डेटा को कॉपी करते हैं। कॉपी कर लिए लेकिन पेस्ट तो करना है, लेकिन पेस्ट ऐसा नहीं करना है, एक स्पेशल पर्पज से करना है। उसका उद्देश्य एक स्पेशल पर्पज, एक अलग उद्देश्य रहेगा उसका, आ रहा समझ में ना। तो वहां पर हम किसका इस्तेमाल करेंगे, पेस्ट स्पेशल। देखिए, दो चीज आता है, एक आता है गो टू स्पेशल और दूसरा आता है पेस्ट स्पेशल, आ रहा समझ में ना। तो गो टू स्पेशल और पेस्ट स्पेशल में अंतर क्या है, तो पेस्ट यानी कि जगह देगा और गो टू का मतलब यानी कि एक स्पेशल जगह पर लेकर के जाएगा। तो वो ये डेटा समझने के लिए पेस्ट स्पेशल, तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखे क्या, इक्वल टू रैंड बिटवीन, नंबर दे दिए 20 और ऊपर दे देते हैं कहां तक, 60। पहले ड्रा कर लिए नीचे और इसी को ड्रा कर लेते हैं इधर लेफ्ट साइड, राइट साइड हो जाएगा ना। अब लगभग आप लोग को ये भी पता होगा कि हम लोग बार बार क्लिक करते हैं, नंबर चेंज होता रहता है, क्योंकि अब ये किस में है, फार्मूला में है। जब तक फार्मूला में रहता तब चेंज होगा। अब फार्मूला से हटाना है तो पहले हम लोग कॉपी करते हैं, पहले क्या करते हैं कॉपी, और जब पेस्ट करना होता है तो हम लोग किस में चले जाते हैं, हाँ पेस्ट स्पेशल। और पेस्ट स्पेशल देखिए, और जब पेस्ट करेंगे आल पे करके तो सारा पेस्ट हो जाएगा। अगर जब हम फार्मूला करेंगे तो फार्मूला में ही रह जाएगा, तब हमारा वैल्यू बार बार चेंज होगा, अरे समझे ना। हम चाहते नहीं वैल्यू में हो, तो हम किसको सेलेक्ट करेंगे, फार्मूला करके ओके कर दो, कोई चेंज हुआ इसमें, बार बार चेंज होगा ना, क्योंकि पेस्ट तो किए लेकिन किसमें, फार्मूला में। अब हम किसमें कर दिए, वैल्यू, वैल्यू करने वास्ते क्या कर दिया यहां से, तो क्या अब ये बार बार चेंज होगा, फार्मूला में अब दिख रहा है, अब फार्मूला में नहीं है ना। अब इसी में थोड़ा सा हम इसको क्या कर देते हैं, थोड़ा सा फॉर्मेटिंग कर देते हैं, स्टाइल कर लेते हैं, बोल्ड कर दिए, बॉर्डर लगा दिए, टेक्स्ट का कलर कर दिए, बैकग्राउंड कलर कर लिए पहले और टेक्स्ट का कलर कर लिए। रेडी रहने दें, हो गया है ना। अब एक कंडीशन, एक काम करिएगा, इस डेटा को आप कॉपी करिए और यहां पर ला करके पेस्ट कर दीजिए, लेकिन आपके सामने कंडीशन ये रखा गया कि सिर्फ लिखा हुआ टेक्स्ट चाहिए, इस पे किया गया फॉर्मेटिंग नहीं चाहिए, आ रहा समझ में ना। तब उसके लिए हम कहां पे जाएंगे, पेस्ट स्पेशल क्या रखना है, अगर जो हम यहां से कर देंगे सिर्फ क्या वैल्यू, तो वैल्यू में सिर्फ कंटेंट आएगा, कोई फॉर्मेटिंग नहीं है। अगर जो हम कर देंगे क्या चाहिए, फॉर्मेट चाहिए, तो कोई वैल्यू नहीं जाएगा, सिर्फ क्या जाएगा, फॉर्मेट जाएगा, कोई वैल्यू आया है। चलिए कंट्रोल जेड, पेस्ट स्पेशल में गए, वैल्यू सेलेक्ट करके ओके कर दी, तो क्या सारा कंटेंट आया है, फॉर्मेटिंग नहीं आया है ना। और अब जो फॉर्मेट, अगर सिर्फ हम पेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे, पेस्ट स्पेशल फॉर्मेट, और यहां से क्या कर लिए ओके, तो सिर्फ क्या आ रहा है, दोनों का मतलब समझ आ रहा है ना। अब अगला समझने से पहले हम लोग कमेंट दे देते हैं, इस नंबर में कुछ कमेंट टाइप करती है, यहां भी कुछ कमेंट टाइप करती है, यहां भी कुछ कमेंट टाइप करती है, कमेंट लगभग तीन जगह हम लोग दिए हैं ना। हम यहां से सेलेक्ट किए और डेटा को कर लिए कॉपी, यहां पे आ गया, सबको पेस्ट नहीं करना है, सिर्फ कमेंट चाहिए और कोई कंटेंट नहीं चाहिए, तो कमेंट को सेलेक्ट किए और यहां से क्या कर लिए, क्या सारा डेटा आया है, सिर्फ देखिए क्या आया है, कमेंट हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें, इतना कर ले जाएंगे ना। अब ये पेस्ट स्पेशल था, साथ साथ में देखिए, अगर जो हम इसमें इसी के साथ साथ गो टू स्पेशल समझते चले, गो टू स्पेशल यानी कि स्पेशल जगह पे जाना हो, इसमें सबको डिलीट नहीं करना है, सिर्फ जहां कमेंट है उस कमेंट को ही बस डिलीट करना, और किसी को डिलीट नहीं करना। तो हम आ जाएंगे होम टैब में, ही दिखाई देगा फाइंड एंड सेलेक्ट,
और यही आपको दिखाई देगा गो टू स्पेसेस। तो चाहे आप यहां से इस्तेमाल करिए और चाहे आप गो टू स्पेशल में आ जाइए, किस पे जाना है? कमेंट पे जाना है ना, तो कमेंट सेलेक्ट किए ओके कर दें। जहां जहां कमेंट वहां हाईलाइट किया है हटाना ही है कमेंट ना, तो क्लियर ऑल कर दीजिए, सब डिलीट हो जाएगा। जहां जहां कमेंट था सिर्फ वही डिलीट हुआ है ना, तो साथ साथ में गो टू स्पेशल समझा रहा है ना, किसी स्पेशल जगह पे जाना, इतना क्लियर है ना। अब गो टू स्पेशल में सबसे पहले ये पेस्ट स्पेशल में हम लोग आल जानते हैं, सारा डेटा एक बार में लिख चला जाएगा। फॉर्मूला करें, फॉर्मूला सिर्फ लेके जाएगा। वैल्यू करें, सिर्फ वैल्यू लेके जाएगा, कोई फॉर्मेट लेकर के नहीं जाएगा। फॉर्मेट करें, सिर्फ फॉर्मेट लेके आएगा, कोई वैल्यू लेकर के नहीं। और अगर जो कमेंट कर देंगे सिर्फ कमेंट पेस्ट करेगा और कोई डेटा पेस्ट नहीं करेगा। और अगर जो हम वैलिडेशन लगा दें, तो डाटा वैलिडेशन आप लोग पढ़े हैं ना, डाटा वैलिडेशन कि अगर जो हम यहाँ सेलेक्ट कर लें और सेलेक्ट करने के बाद से डाटा टैब में जाएं, डाटा वैलिडेशन में, और यहाँ पे लगा लेते हैं क्या, दे देते हैं टेक्स्ट लेंथ और दे देते हैं इक्वल टू 5 के बराबर इनपुट, और ये आप लोग जानते ही हैं ओके कर। तो क्या अगर जो 5 से कम हम टाइप करके इंटर करते हैं, एक्सेप्ट नहीं होने दे रहा है ना, तो यहाँ पर बहुत सारा कंटेंट लिखा गया, 1 2 3 4 5 रखा, सब में वही है ना। अब हम इसको क्या कर लिए, लेकिन यहाँ पे रखना है, सबको नहीं रखना है, सिर्फ इसके अंदर जो वैलिडेशन दिए हैं ना, डाटा वैलिडेशन, सिर्फ वही यहाँ लेकर के आना है। तो कहाँ जाएंगे, पेस्ट स्पेशल वैलिडेशन, कुछ लेके आया है यहाँ पर, लेकिन हाँ वैलिडेशन है 1 2 3 4 तक दे दिए, यहाँ वैलिडेशन ही दिए थे ना, लेकिन देखिए डाटा लेकर के आया है, सिर्फ क्या काम कर रहे हैं यहाँ पे, वैलिडेशन काम कर रहा है ना, कोई दिक्कत इसमें? तो अगर जो कोई कंटेंट कॉपी कर रहे हैं, पेस्ट स्पेशल में जा रहे हैं, तो लगभग इन सब का मतलब समझा रहा है ना। हाँ, अगर जो आल यूजिंग सोर्स थीम करेंगे, तो ये सिर्फ क्या करेगा, थीम से सिर्फ चेंज करेगा। थीम क्या है कि अगर जो हम पेज लेआउट में आएंगे, तो यहाँ पे आपको थीम चेंज करने के लिए दिखाई देगा, थीम चेंज हो रहा है ना। अब हम इसको कॉपी करें और दूसरे सीट पर आ जाएं, यहां पर अगर जो हमको करना क्या है, वही थीम सब यहां चाहिए, तो पेस्ट स्पेशल में आएंगे, और पेस्ट स्पेशल में जाने के बाद किसको सेलेक्ट करेंगे, थीम वाला, और यहां से क्या कर लेंगे, यानी कि इस डेटा पे ऑलरेडी है, इस जगह पे ऑलरेडी है ना, कोई हम रिप्लेस भी कर देते हैं, जैसे वहां कंटेंट लिखे थे थीम्स के साथ वैसे ही आया यहाँ पर ना, दिख रहा है ना। हाँ, अगर जो नहीं वैसे नहीं चाहिए फॉर्मेट में, तो सिर्फ अगर जो थीम्स ही चेंज करना, देखिए अंडू कर दिए, तो यहाँ पर ये थीम्स नहीं था ना, अलग थीम्स था, लेकिन जैसे हम अंडू किए तो कंटेंट अंडू हो गया, लेकिन थीम हमारा चेंज हो गया है ना। थीम समझ में आ रहा क्या चेंज कर रहा है, नहीं अगर जो क्लियर हो रहा है, देखिए थीम्स में गए, टेक्स्ट का स्टाइल देखिएगा, टेक्स लिखने के स्टाइल चेंज हो रहा है। अगर जिस पर नहीं हो प्रॉपर, हम इस वाले पर आ जाते हैं, हम आ गए किसमें, थीम्स वाले, बाय डिफॉल्ट ऐसे था हमारा थीम 55 53 कैसे दिख रहा है ना, थीम इसका चेंज कर रहा है, स्टाइल कुछ हुआ अलग, अब कुछ अलग हो रहा है ना, अब कुछ अलग फॉर्मेट हुआ है ना। अब यही टेक्स्ट का फॉर्मेटिंग हमको चाहिए किसी और पे, पहले क्या करेंगे, और ऐसी जगह चले जाएंगे जहां पे इसका फॉर्मेटिंग हो जाएगा ना। अगर जहां पे और हम सिर्फ पेस्ट स्पेशल में जाएं और ये सेलेक्ट करके और हम ओके करें, तो कंटेंट वही आ जा रहा है ना, लेकिन देखिए इस फ्रंट वही दिखाई देने लगा, अंडू कर ली, जिस प्रकार से हम थीम सेलेक्ट किए थे उसी प्रकार से फ्रंट भी दिखाई दे रहा है ना, तो बाय डिफॉल्ट क्या रहेगा, ऑफिस हो जाएगा। तो इसमें सिर्फ क्या चेंज होने होने के लिए देगा,
थीम्स चेंज करने के लिए दो जो थीम्स हम यहाँ पे लगाए रहे, और यदि उसके आगे पेस्ट स्पेशल में जाएंगे तो अगला दे रहा है आल एक्सपेक्ट बॉर्डर। क्या कह रहा है? सिर्फ बॉर्डर लेके जाएगा, अगर जो हम यहाँ पे सेलेक्ट करके बॉर्डर दे दिए, बॉर्डर है यहाँ पर ना, कॉपी किए और यहीं पेस्ट स्पेशल में आ गए, आल एक्सपेक्ट बॉर्डर किए, ओके कर दिए, तो बिना बॉर्डर का डेटा लेकर क्या गया है ना, डेटा पहले वही था लेकिन क्या बॉर्डर लेके आया इसमें। और उसके आगे जब पेस्ट स्पेशल में जाएंगे तो अगला आपको कॉलम विथ दिखाई देगा, फॉर्मूला नंबर फॉर्मेट और वैल्यू एंड नंबर फॉर्मेट दिखाई देगा। तो नंबर फॉर्मेट क्या, ये तो आप लोग जानते ही हैं, जो लोग यहाँ से नंबर फॉर्मेट चेंज करते हैं ना, सिर्फ वो पेस्ट करना, कोई नंबर पेस्ट नहीं करना है, तो हम इस ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं, इन दोनों का। कॉलम विथ क्या है, हम आ गए यहाँ पे, इस वाले कॉलम का साइज थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, इतना बड़ा हो गया है ना, जितना बड़ा ये कॉलम का विथ है उतना ही बड़ा हमको इसका भी विथ करना है। कॉलम विथ सेलेक्ट किए और यहां से क्या कर लिए, जितना लंबा कॉलम से उतना ही लंबा कॉलम हुआ है, तो लगभग पेस्ट स्पेशल तक, यहां तक क्लियर हो रहा है ना। ये नीचे आपको ऑपरेशन दिखाई देगा, ऑपरेशन बाय डिफॉल्ट क्या है, उसके नीचे क्या दे रहा है, एड सबस्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई और, अब इन तीनों का, इन चारों का मतलब क्या है, तो हम यहाँ पे ये नंबर लिखे हैं, इतना नंबर लिखे हैं ना। अब अगर जो हम आपको ये कहीं काम करिएगा, आप जितना नंबर लिखे हैं इन सब में आप 5 नंबर जोड़ दीजिए, सब में क्या करना है, 5 नंबर जोड़ना, तो डेटा जोड़ना है, तो अगर जो वैसे हम जोड़े 50 है तो 55 है तो 60 करेंगे, 53 है तो 58 करेंगे, 57 है तो कितना करेंगे, 62 करेंगे, तो टाइम लगेगा ना, टाइम लगे नहीं लगेगा, लेकिन यही अगर जो हम लोग इस्तेमाल कर लें किसका, तो 5 जोड़ना है सब में ना, तो कहीं 5 लिख के पहले क्या करेंगे, कॉपी, और फिर सबको सेलेक्ट करेंगे, और पेस्ट स्पेशल में जाने के बाद से हम क्या करेंगे, 55 53 57 59 25 यही है ना, देखिए सब में 5 नंबर जुड़ा हुआ है, दिख रहा है ना, 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो पेस्ट स्पेशल में आइए, मल्टीप्लाई करिए और यहाँ क्या कर लीजिए, 5 से मल्टीप्लाई हुआ है, हो जाएगा ना, डिवाइड करना है, फिर पेस्ट स्पेशल में जाइए, डिवाइड सेलेक्ट करिए और ओके कर दीजिए, डिवाइड हो गया, 5 सब में माइनस करना है तो फिर सबस्ट्रैक्ट, ओके हो गया माइनस में, जितना कहा जाए कोई जन नहीं, सिर्फ 5 ही होगा, 2 कहा जाए तो पहले 2 लिखिए, 2 को क्या कर लेंगे, कॉपी, फिर पूरे नंबर को सेलेक्ट करिए और पेस्ट स्पेशल में जाइए, मल्टीप्लाई और ओके, तो सब में 2 से मल्टीप्लाई हुआ है, तो ये पेस्ट स्पेशल क्या क्लियर हो रहा है ना। और उसके आगे जब जाएंगे तो अगला दे रहा है स्किप ब्लैंक, ट्रांसपोज और पेस्ट लिंक। ट्रांसपोज आप लोग पढ़े हैं ना, क्या करता है, रो से कॉलम और कॉलम से, तो स्किप ब्लैंक क्या है और पेस्ट लिंक क्या है, तो पेस्ट लिंक का हम इस्तेमाल कब करते हैं, कितना सीट ले ली फिलहाल, अभी 2 सीट है ना, इस सीट पे हम नंबर लिखते हैं, जैसे नाम लिख लिए RAM, राम लिख दिए, यहाँ पे श्याम, यहाँ पे मोहन, यहाँ पे सोहन, नाम लिखे हैं ना, हम चाहते हैं ये ऐसा कंटेंट करना है कि अगर जो पहले सीट पे चेंज करेंगे सीट 2 पे, तो सीट 3 पे अपने आप चेंज हो जाए, तो पेस्ट स्पेशल में जाकर हम क्या करेंगे, लिंक करते हैं। यहाँ पे देखिए राम लिखा है, तो यहाँ भी राम लिखा है ना, यानी कि जैसे वहां लिखा गया वैसे यहाँ भी लिखा गया, अगर जो हम यहाँ पे लिख दें राम को हटा करके राकेश, तो क्या वहां पे राकेश हुआ होगा, चेंज हुआ है ना, इसलिए क्योंकि हम लिंक चेंज किए हैं, जब एक जगह से लिंक रहेगा तो हम यहाँ से जो चेंज करेंगे वो वहां भी चेंज हो जाएगा, हो जाएगा ना, कोई दिक्कत इसमें, तो बेस्ट लिंक क्या है, ये क्लियर हो रहा है ना।
कॉपी करने के बाद से पेस्ट लिंक। अब जानना है क्या स्किप ब्लैंक, स्किप ब्लैंक समझने से सबसे बेहतर है ना, इक्वल टू रैंड बिटवीन लिखिए, 20 से लेकर के 80 करिए, ड्रा करिए नीचे और फिर इसी को ड्रा कर लीजिए इधर। पहले वैल्यूम फिक्स करना होगा ना, वैल्यूम क्या कर दिए फिक्स, अब तो चेंज नहीं होगा ना, अब कहीं कहीं हम डिलीट कर दिए, कहीं कहीं डेटा डिलीट हो गया है ना। अगर जो अब हम आपसे कहें कि यहां पर हम 10 लिख रहे हैं, क्या लिखे हैं 10 लिखे हैं, लेकिन 10 सिर्फ उसी जगह पे चाहिए जहां पे इस क्या है खाली जगह है जहां लिखा है वहां पे नहीं चाहिए, जितना एरिया छूटा वहां पे कौन सा नंबर होना चाहिए। तो सबसे पहले तो हम इसको करेंगे कॉपी और इसको सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद पहले किस में आएंगे फाइंड एंड सेलेक्ट, और यहीं पे आपको आना हो किस में गो टू स्पेशल ब्लैंक, और यहां से क्या कर लेंगे पेस्ट स्पेशल में जाएंगे, स्किप ब्लैंक, और यहां से क्या कर लेंगे सिर्फ वहीं गया है और कहीं गया इसमें हो जाएगा ना। तो कैसे इस्तेमाल किया एक बार और रिपीट करें देख लीजिए, कंट्रोल जेड कर। अगर जो भी हम यहां से कॉपी करें और यहां पे लाने के बाद से डायरेक्टली हम पेस्ट स्पेशल में जाके इसकी ब्लैंक करके और ओके करें तो सब जगह 10-10 आ गया है ना। लेकिन वही अगर जो हम पहले इसको सेलेक्ट कर लिए, गो टू स्पेशल में गए, ब्लैंक सेलेक्ट करके क्या कर लिए ओके, और अब यहीं पे क्लिक करके पेस्ट स्पेशल में गए, इसकी ब्लैंक, और यहां से क्या कर लिए ओके, क्या सब जगह गया है हो जाएगा ना। हम कलर इसीलिए कर दिए थे ताकि जहां जहां जाएगा वहां पता चल जाए, वो जहां जहां खाली जगह तो सिर्फ वहीं गया है ना, हो जाएगा कोई दिक्कत इसमें। अब यहाँ पे जो भी हम लोग इस्तेमाल किए हैं पेस्ट स्पेशल और गो टू स्पेशल कर ले जाएंगे ना, गो टू स्पेशल में भी दिया है अलग अलग कि आपको कंटेंट किस पे जाना है, कंटेंट पे जाना है, फार्मूला पे जाना है, ब्लैंक जगह पे कोई आपने कंडीशन रीजन दे दिया वहां पे, रो पे, कॉलम पे, प्रेसिडेंट या डिपेंड, ये पढ़े आप लोग ना, प्रेसिडेंट्स और डिपेंड्स फार्मूला में, ये प्रेसिडेंट्स और डिपेंड्स आ रहा समझ में ना। ऐसे स्पेशल जगह पे जाना है तो गो टू स्पेशल का हम आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं, कर ले जाएंगे कोई दिक्कत। तो आज आप लोग क्या क्या ट्राई करना होगा, पेस्ट स्पेशल और उसके बाद से गो टू स्पेशल हो जाएगा ना। और इसके बाद से अगली क्लास में सबसे इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि अगली क्लास में हम आपको बताएंगे सबसे पहले पेज लेआउट के बारे में, किसके बारे में पेज लेआउट। जब तक हम लोग पेज लेआउट टैब नहीं पढ़ेंगे तब तक इसमें एक जो कंटेंट दे रहा था टेक्स्ट इनवाइस हम लोग नहीं बना सकते, आ रहा समझे ना, क्योंकि टेक्स्ट इनवाइस बनाने के लिए पेज की जानकारी होनी जरूरी है कि कब हम कैसे पेज को एडजस्ट करेंगे। तो पेज एडजस्ट करना था हम किसके माध्यम से करेंगे, तो लगभग होम टैब खत्म ही है, इंसर्ट टैब खत्म ही है, जानना क्या है फॉर्मूला टैब पढ़ी लिए हैं लोग, डाटा टैब का मैक्सिमम ऑप्शन पढ़ी लिए हैं, क्या पढ़ना रहेगा उसके बाद रिव्यू और क्लियर है ना। तो आज जो है आप लोग ट्राई करके आइए इतना, और अगली क्लास में कौन सा टैब पढ़ना है पेज लेआउट।